coordinate geometry for class 10th. In this video में हम लोग distance between two points का topic पढ़ेंगे. If two points are given A और B, A x1 y1 and B x2 y2. यदि दो points दिए हुए हैं A और B, A x1 y1 है और B x2 y2 है, तो इनके बीच के डिस्टेंस यानी कि दूरी ज्ञात करनी है. यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है. तो उसके लिए सबसे पहले इसका हम लोग ये जो थ्योरी है, थ्योरम है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम लोग समझेंगे. और इसका तो वैसे आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, बट ये फॉर्मूला आया कैसे इसको हम लोग समझेंगे. इधर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टू पॉइंट्स लिए हैं, ए और बी. सपोज ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू, ओनली दिस मच गिवन, केवल इतना ही दिया हुआ है और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, या इसकी ये जो लाइन है, इन दोनों को ज्वाइन किया पॉइंट ए और बी को, तो यहाँ पे ये जो लाइन बनी, इस लाइन के डिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ क्या है, हमें वो ज्ञात करना है, उसकी लंबाई कितनी है वो फाइंड करना है. तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल. हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी दोनों से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डालेंगे, यानी कि एक लंब खींचेंगे एक्स एक्सिस पे, और ए से भी, पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो कि इसे किसी पॉइंट पे कट करेगा. सपोज इसका चलिए हम लोग कुछ नेम ले लेते हैं, इधर एल ले लिया, यहां एम और एन. तो ये लाइन मैंने बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लिया है. बीएम जो है, ये बीएम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. तो यहां आप देखोगे, जब पॉइंट ए से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लिया, तो ये इसको पॉइंट एन पे कट करता है और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनता है. कौन सा, ए एन बी, ए एन बी एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनता है. तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं. पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है, यदि बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम लोग या कुछ भी तीन साइड में से कोई भी दो साइड पता होता है तो थर्ड साइड हम लोग फाइंड कर लेते हैं. ये हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है. तो यहाँ पे हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए एन बी में हम लोग सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ए बी की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस साइड में आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूं कि कैसे ए बी का ये जो फॉर्मूला है, ये तो आपने लर्न किया है, ए बी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये तो आपने लर्न किया है. बट ये फॉर्मूला आता कैसे है, कैसे ये फॉर्मूला बना, इसको भी देखिए हम लोग समझते हैं थ्योरम के बारे में. इन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए एन बी, इसको हमने लिया है और इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं पाइथागोरस थ्योरम का लगाएंगे तो होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर. अब यहां से आप समझिए, देखिए कि ए एन की क्या डिस्टेंस है और एन बी इसकी क्या लेंथ है, इसका क्या आ रहा है. देखिए स्टूडेंट, हमें ए एन का अलग से तो कुछ लेंथ दिया नहीं है, बट
ये जो पॉइंट हमारे पास है x1 x2 इसी पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग निकाल रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी। यहाँ देखिए ये जो b है इसकी लेंथ कितनी है x एक्सिस पे, ये पॉइंट कितना है x2 है, यहाँ कितना है ये x1 है, तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए। तो x2 माइनस x1 हम कर देंगे, ये पूरी लेंथ में से इतना लेंथ हम जब माइनस कर देंगे तो हमें ये LM कहिए या AN कहिए वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। यानी x2 माइनस x1 आप जैसे करोगे वैसे आपको LM और AN आपके पास हो जाएगा, आप फाइंड कर लोगे। यहाँ पे AN की जगह हम लोगों ने क्या निकाला, x2 से x1 माइनस कर ले, यहाँ पुट करेंगे AN के प्लेस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सेम NB ये हमें फाइंड करना है, तो ये कंप्लीट लेंथ कितना है y2, यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है ये कितनी है y2 है, और ये जो पॉइंट A है इसकी जो y एक्सिस पे इसकी लेंथ है y1। यानी ये दोनों पैरलल हैं, AL और NM दोनों ही पैरलल हैं, तो ये y1 हुआ तो ये भी y1 हुआ, ये कंप्लीट y2 ये y1। हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए NB, N से लेकर B तक की डिस्टेंस हमें चाहिए होती है। तो ये N से B तक की डिस्टेंस फाइंड करने कैसे हम करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस NB मिल जाएगा। y2 पूरा कंप्लीट लेंथ जो B की है x एक्सिस पे y2 है, y2 में से आप y1 माइनस करोगे तो आपको ये NB मिल जाएगा। हमें यहाँ NB ही चाहिए, मैं क्या करूं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये ab स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बट हमें ab स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो ab चाहिए। ab फाइंड करना है तो इधर से स्क्वायर आप हटाओगे, इस साइड अंडर रूट आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट्स इट। स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट हुआ। यही फॉर्मूला आप लर्न करते हो और कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है तो हमें इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके बाय।